सो हेलो एवरीवन, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और ये कलेक्टिव रीडिंग ना आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को लेकर के है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अभी उनकी फीलिंग क्या है ये देखेंगे हम, ठीक है। और उनके कुछ हैंडमेड मैसेज हैं मेरे ये, सो इनमें से हम कुछ निकालेंगे। उसके बाद मैं इन कार्ड से भी देखूंगी उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। सो गाइस, थोड़ी सी लाइट जो है ना वो कट के फिर आ रही है, सो इसके लिए सॉरी अगर बीच में कट जाए तो। सो गाइस, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करें और सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। वहीं पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, कैसे बुकिंग करनी है, क्या चार्जेस हैं, सब वहीं आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। सो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, इस बात का आप लोग खास ख्याल रखें। और आप लोग जो इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं ना, मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी तहे दिल से मैं आप लोग को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को। चलिए हम और कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड्स ऐसे ही गिर रहे हैं, मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी। सो जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस यूनिवर्स गाइड में। एक कार्ड गिरा है, मैं ले लेती हूँ और हम कार्ड्स को निकालते हैं। और इस रीडिंग को हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और हमें कार्ड्स की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम निकालेंगे। सो अभी मैं इतने ही कार्ड्स रहने देती हूँ। मैं कार्ड्स को लगाती हूँ, देखती हूँ क्या एनर्जी आई है बाहर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सो हम कार्ड को ओपन करती हूँ। वेरी सैड एनर्जी, इतनी सैड वाली एनर्जी आई है। ओके सो मैं सीक्वेंस वाइज करती जा रही हूँ कार्ड्स को, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ, ठीक है। फाइनली द सन का कार्ड है। सो अब है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, करंट फीलिंग की मैं बात करूँ तो काफ़ी सैड है वो, एक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अभी। शायद आप लोग अभी ना सेपरेशन में भी होंगे। कुछ लोगों के लिए मैं बोल दूँ कि आप लोग काफ़ी सेपरेशन अभी जो है ना सेपरेशन में चल रहे होंगे, नो कॉन्टैक्ट में हैं आप लोग। और कुछ लोग कॉन्टैक्ट में भी हैं तो उनके पार्टनर से उनकी लड़ाई हो पड़ी है, इसके कारण से उनके पार्टनर की ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है, उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज ओवर, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खुद को हील करना है, ठीक है। सो ये पहले भी लड़ाई हो चुकी होगी आप लोगों की, जिस कारण से उनकी अभी भी यही सिचुएशन है, अभी भी उनकी यही फीलिंग है, इसी में वो डूबे हुए हैं अभी। और उसके बाद ना काफी डीपली थिंकिंग भी करते हैं वो आपके बारे में, काफी मिस भी करते हैं आपको, और भगवान से लगातार प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं वो, खुद को हील भी कर रहे हैं। अकेले हैं, शांत हैं, किसी से बातें बातें नहीं करते होंगे ये,
काफी अकेला महसूस होता होगा इनको। जहां भी होते होंगे सिर्फ आपके बारे में इनकी सोच अभी चल रही है कंटिन्यू। अपने फीलिंग्स को ना ये जल्दी किसी से बताते भी नहीं होंगे, ऐसे ही मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही है। दबा के रखना, छुपा के रखना अपनी फीलिंग्स को, ऐसी एनर्जी है इनकी जिस कारण से ये अभी सोच भी रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। कैसे इस एनर्जी से मैं बाहर निकलूं, क्या करूं, रास्ता ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो ये सोच रहे हैं, काफी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अकेले में रह के शांत कमरे में बैठते होंगे या फिर जहां भी जाते होंगे वहां इनको अकेलापन ही एक महसूस होता होगा। सो ये एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, करंट फीलिंग। और जैसा कि मैंने कहा कि चीजों को काफी बैलेंस करके चलना ही नहीं पसंद होगा, और खुद की फीलिंग को ये ना छुपाते हैं, हाइड करते हैं, दूसरों को जल्दी बताते नहीं हैं। और आपके लिए जो है ना इनकी सोच है ना, आप बहुत ही बैलेंस करके मैच्योर, आप काफी मैच्योर होंगी या होंगे, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना वो काफी मैच्योर, सबको मिला के चलने वाले आप मुझे काफी अच्छे पोजीशन पे भी दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर की ये पोजीशन हो सकती है, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, जज, काफी अच्छे पोजीशन पे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। काफी केयरिंग नेचर है आपका, जो इन्हें बहुत पसंद है आपके पार्टनर को। काफी खूबसूरत भी होंगी आप, एक मैरिड वुमेन देख रही हैं, तो काफी अच्छे से आप घर संभालना जानती होंगी, सबकी बातें सुनती होंगी और उन्हें सलाह भी बहुत ही अच्छे देती होंगी, आप देते होंगे। जो भी इस ये रीडिंग को देख रहे हैं ना उनके लिए मैं बता रही हूँ। और आपके पार्टनर की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर ना इस एनर्जी से निकल करके, ये सैड वाली एनर्जी से निकल करके आपके पास वो आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लाइफ की न्यू बिगनिंग। हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे हो, क्योंकि मुझे ये कार्ड डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस पे हूँ आप लोग। सो आपके पार्टनर ना डिस्टेंस पे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं। सो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है ना वो यही होगा कि वो आपकी तरफ मूव करेंगे, आपकी तरफ उनका एक्शन होगा। जैसा कि मैंने कहा, आपके पार्टनर थोड़े है ना अपनी फीलिंग को दबाते हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना मुझे ये भी बताता है, आपके पार्टनर रोमांटिक भी होंगे, चीजों का बैलेंस करके चलने वाले होंगे और आप भी वैसी ही हैं। सो मुझे ये एनर्जी उनकी ज्यादा दिखाई दे रही है। काफी आप भी मेच्योर हैं और आपके पार्टनर भी मेच्योर, दोनों में एज डिफरेंस कुछ खास नहीं होगा, दोनों ही काफी मेच्योर पर्सन हैं, दोनों ही जानते हैं डिसीजन कैसे लेना है, क्या सही है क्या गलत है, दोनों को ही पता है। हाँ, किसी वजह से ये जो है ना उनकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, उनकी फीलिंग यहाँ मुझे दिख रही है, लेकिन वो सब हैंडल कर लेंगे, उनमें वो क्वालिटी है कि वो सब हैंडल कर लेंगे, खुद को हील कर लेंगे। और खुद को हील करने के बाद ना उनका एक्शन मुझे ये दिख रहा है, सिक्स ऑफ वैंड्स आपकी तरफ वो मूव करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और अगर मैरिड हैं आप दोनों तो काफी अच्छे फादर भी होंगे और आप काफी अच्छी मदर भी होंगी। सो मुझे ये भी दिख रहा है, अपने बच्चों को बहुत ही केयर करना दोनों को ही बहुत पसंद होगा, ठीक है ना। सो ये मुझे ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ मुझे मूव करते हुए जो है ना, इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो आपकी तरफ होने वाला है।
और फाइनली द सन का कार्ड आया है। द सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि सब चीज़ बहुत ही अच्छा क्लियर रहने वाला है, स्मूथ रहने वाला है। जो भी अगर क्लियरिटी नहीं थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सब खत्म होने वाला है। और आप लोग की लाइफ में एक फिर से नया उजाला आने वाला है, फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है दोनों की लाइफ में, ठीक है। सो चलिए हम इन कार्ड से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। अपने रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर को सक्सेस चाहिए, आपके साथ सक्सेस चाहिए, उन्हें आपका साथ चाहिए। मुझे ये भी दिख रहा है वो किसी और के साथ नहीं जाना चाहते, आपके साथ उन्हें जाना है, ठीक है। तो किसी तरह की यहाँ मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। सो आप लोग थर्ड पार्टी की वजह से तो लड़ाई मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, किसी किसी को हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। सो मैं यहाँ थर्ड पार्टी के लिए नहीं बोलूँगी, आप दोनों के वजह से ही दोनों में कोई लड़ाई हुई या फिर कुछ हुआ, सो इसलिए आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं बस। लेकिन ध्यान है, दोनों को है, एक दूसरे का ध्यान है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इक्वल प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या हैं, क्या आते हैं, एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। सो ये और मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। चलिए फोर कार्ड्स, द एम्प्रेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे साफ बता रहा है काफी आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एकदम जो है ना सरप्राइज आने वाला है, गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। हो सकता है आपको पार्टनर, आपके पार्टनर ना बिना बताए ही आपके पास से ले आए, आपको कॉल कर दे अचानक से, आपको उम्मीद भी ना हो, नहीं लगता हो कि आज वो कॉल करेंगे, कल वो कॉल करेंगे, या इतनी जल्दी कॉल करेंगे। सो इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो शादीशुदा हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके आप लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आपके पार्टनर आने के बाद, ठीक है। सो मुझे ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद देख लेते हैं और कार्ड्स, द हैंगमैन, उसके बाद है द डेविल। देखिए जो भी निगेटिविटी थी ना वो सब अब खत्म होने वाली है, क्योंकि द डेविल का कार्ड मुझे निगेटिव एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव एनर्जीज बता रहा है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी अब खत्म होने वाली है, आप दोनों के रिलेशनशिप से निगेटिविटी खत्म होने वाली है। यही निगेटिविटी तो है ये, देखिए कितना कार्ड आया है, कैसे कार्ड आया है, साफ बता रहा है ये इसी निगेटिविटी के कारण तो ये उनका अभी जो है ना, अभी उनकी ये सिचुएशन हुई पड़ी है, काफी निगेटिविटी रिलेशनशिप में, निगेटिविटी क्यों, हल कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। द हैंगमैन, अभी जैसा कि मैंने कहा अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, वो अभी सोच रहे हैं, डीप सोच रहे हैं। सो ये भी कार्ड मुझे वही बता रहा है, डीप थिंकिंग चल रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे किसी चीज का हल निकालना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हम दोनों एक हों। सो दोनों को ये करना पड़ेगा, एक के करने से नहीं होगा, दोनों ये स्टेप लीजिए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपको ऑफर करते हैं प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए, वो अपनी गलती मान रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर वो बार बार करते हैं तो प्लीज उन्हें समझाइए, ठीक है। और द हाई प्रिस्टिस, जैसा कि मैंने कहा अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते होंगे, सो यही कार्ड, ये भी कार्ड मुझे वही बता रहा है कि अपनी फीलिंग को काफी हाइड करके रखते होंगे, सीक्रेट रखते होंगे, जल्दी किसी से शेयर करना इन्हें पसंद नहीं होगा, इस टाइप की एनर्जी जो है ना मुझे ये भी कार्ड बता रहा है। आप लोग का रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि ये जो है ना ये डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग का रियूनियन होगा, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है, रीयूनियन होगा। चलिए मैं इन कार्ड से भी देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है, आप लोग इतने परेशान हो। सो चलिए मैं इनको भी देख लेती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है।
मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज आप इन्हें मैसेज दीजिए। चलिए हम कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग, चेंज इज हैपनिंग सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। ठीक है, सो चीजें सब ठीक होने वाली हैं, सब बदलने वाला है, आप खुद को प्रिपेयर रखें, ठीक है ना। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है। उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है। प्रॉम्प्टिंग हेल्प और ये है फेदर। सो कॉल अ फ्रेंड टुडे, आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, परेशान है ना, किसी जो भी आपके क्लोज है ना उनसे आप बात कीजिए, अपनी परेशानी बताइए उन्हें, हो सकता है उनके पास कोई हल हो सकता है उनसे कुछ हो सके। सो आप अपनी फीलिंग को अपने अंदर मत दबाइए, उसको भी बाहर निकालिए, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटने से तो अच्छा है कि हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। पूरे शेयर मत कीजिए लेकिन थोड़ी बहुत कर दीजिए, उससे थोड़ा सुकून मिलेगा आपको। ठीक है, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है। फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल यू दे आर नियर यू। देखिए अब ना आपके पास जिस पर्सन का आपको इंतजार था ना, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, सो अब वो है ना आपके पास आने वाली है। ठीक है, आपके नज़दीक है, बस आप प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए उनके बारे में, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी लाइए, निगेटिविटी मत लाइए कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग मिल ही नहीं सकते, ऐसा है वैसा है, तो ये मत सोचिए। ठीक है ना, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। हेल्प, तो द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। ठीक है ना, आप लोग बस पॉजिटिव रहिए, आपकी हेल्प यूनिवर्स करेगा। ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए, फ्री रहिए, एकदम कूल, कुछ हुआ ही नहीं है, हम लोग साथ में हैं। ठीक है ना, ऐसी फीलिंग रखिए, आपके पार्टनर देखिए आपके पास आते हैं कि नहीं। सो चलिए हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, इनमें से मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। सो अभी चलिए और एक दो और निकाल लेते हैं, हम देखते हैं क्या क्या गिरता है। ओके, मैं खुद से भी निकाल लूँ, इतने सारे तो गिर गए, चलिए एक में निकाल लेती हूँ खुद से, इसको रखते हैं साइड, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं। सो ये हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, मैं इन्हें ओपन करती हूँ। सो आई एम सॉरी, पहले ही उन्होंने कह दिया आई एम सॉरी, और मैसेज है तुझे कितना चाहने लगे हम, जो सॉन्ग है ना वो आपके लिए गुनगुनाते होंगे, तुझे कितना चाहने लगे हम। ठीक है ना, उसके बाद है यू हैव माई हार्ट कीप इट सेफ, आपके पास उनका दिल है, अच्छे से रखिए वरना आपको डांटेंगे वो। ठीक है ना, Every love story is beautiful, but ours is my favorite. हर लव स्टोरी खूबसूरत होती है, अच्छी होती है, लेकिन जो आप और उनकी है ना, उनकी आपकी, वो सबसे उनकी फेवरेट है, सबसे पसंदीदा स्टोरी। ठीक है ना, कितना अच्छा मैसेज आया है। उसके बाद है प्यार मांगा है तुम्ही से, जो सॉन्ग है ना, प्यार मांगा है तुम्ही से नहीं इनकार करो, ये सॉन्ग आपको वो गुनगुनाते होंगे या फिर आपके लिए गाते होंगे। ठीक है ना,
आपकी पिक्स देखते होंगे, मैसेजेस पढ़ते होंगे, तब वो गान गुनगुना देते होंगे। उसके बाद है आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफेयर्ड। देख लीजिए सारे मैसेजेस को आराम से अच्छे से देखिएगा। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। सब चीज़ सही करना चाहते वो, एक दिन सब सही भी करेंगे। यू आर माई लेडी, यू सॉरी यू आर माई लेडी, माई क्वीन, माई लाइफ, माई एवरीथिंग। आप सब है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद है पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ये जो सॉन्ग है ना, आपको डेडिकेट कर रहे हैं। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। देखिए अगला है यू प्लस मी टुगेदर, यानी कि आप और वो साथ में। अच्छे लगते होंगे ना। तेरा बन जाऊंगा जो सॉन्ग है ना, वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। आपके लिए वो गुनगुनाते बन होंगे। मैं तेरा बन जाऊंगा। सो अगला है यू ऑसम मी लकी। ओके उसके बाद है माई हार्ट इज ओपन एंड फिल्ड विथ लव। उनका दिल खुला है और प्यार से भरा है। सो ये रहा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो है ना अभी, ये है। और उनका मैसेज आपके लिए मैंने यूनिवर्स के मैसेजेस भी निकाल लिए। सो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस, यूनिवर्स के मैसेजेस, उनका नेक्स्ट स्टेप और उनकी करंट फीलिंग। सो सब हो गए आप। सो गाइस जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।